यूपी के कासगंज में हिंसा को राज्यपाल राम नाईक ने कलंक बताया है। दूसरी तरफ पुलिस ने हिंसा के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। वहां के जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के लिए एक कलंक के रूप में हुई है। सरकार इसके और तफसील में जाकर इसकी जांच करे। एटा से बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ने कासगंज हिंसा को साजिश बताया है। जिस देखिए अचानक पत्थर आ जाना, अचानक गोली चल जाना, अचानक तेजाब की बोतलें आ जाना, ये सब चीजों का एक संकेत करता है कि प्री प्लान था। वहीं पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 113 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने हिंसा को सांप्रदायिक दंगा मानने से इनकार किया है। हालांकि कासगंज में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। बीती रात एक फैक्ट्री में आग लगा दी गई।